मुजफ्फरपुर में 351 फीट का तिरंगा आज आकर्षण का केंद्र बना रहा। हर तरफ इस तिरंगे के सम्मान में लोग खड़े हो गए। जहां जहां से ये तिरंगा गुजर रहा था वहां के लोगों में देशभक्ति का एक अलग ही जज्बा बनता जा रहा था। दरअसल ये शहर के रामगढ़ परिवार की तरफ से हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर इतनी लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। ये रामगढ़ चौक से शुरू होती है, फिर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए रामगढ़ चौक पहुंचती है। इसमें रामगढ़ परिवार के अलावा सैकड़ों युवक और बुजुर्ग शामिल होते हैं। रामगढ़ परिवार के रोहित किवट और सोनू बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों से हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। ये तिरंगा यात्रा भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। हम लोग बस यही कामना करते हैं कि देश में अमन चैन बना रहे, सब भाईचारा के साथ रहें। उन्होंने बताया कि ये यात्रा रामगढ़ चौक से शुरू होती है, जिसके बाद सरैयागंज टावर, पंकज मार्केट, सोनर पट्टी, साहू रोड, हरिसभा चौक, कल्याणी, मोती झील, इस्लामपुर, कंपनी बाग होते हुए फिर रामगढ़ चौक पर समाप्त हो जाती है। निकाली गई है जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर आप, हम और मुजफ्फरपुर के सभी लोग इस यात्रा में मिलकर इस यात्रा का मान सम्मान बढ़ाया है और बड़े जोरों शोरों से इस यात्रा को हम लोग निकाले गए। रामगढ़ परिवार द्वारा निकाला गया है, जो आप अभी देख रहे हैं टावर की ओर पहुंचा है और ये रामगढ़ चौक पर आकर स्थगित होगी। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही सारा कार्यक्रम किया गया है और बड़े धूमधाम से इस यात्रा को मनाया गया। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, बहुत उत्साह है। कितना फीट का है ये जो तिरंगा है आपका? 351 फीट का। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित केवट, राम करते हैं राम भट्ट परिवार सदस्य। जय हिंद। 4-5 वर्षों से निकाली जा रही थी जो आजकल 3 वर्षों बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें हम आप जितने युवा हैं, शहर के जितने भी युवा हैं, सम्मिलित होकर इस यात्रा को बड़े धूमधाम से और एक ऊंचाई पर ले जाकर इस यात्रा को रखा गया।